दोस्तों आईपीएल 2023 के अंदर क्या आरसीबी की टीम अपना कप्तान चेंज करेगी, क्या फाफ डु प्लेसिस को आरसीबी की टीम कप्तानी से हटाएगी। इसके अलावा बात करेंगे मोहम्मद सिराज के बारे में, मोहम्मद सिराज को आरसीबी की टीम रिलीज करेगी रिटेन, इसके ऊपर एक बड़ी अपडेट है मैं आप सभी को बताऊंगा। तो इसीलिए अगर आप लोग आरसीबी की टीम के फैन हो तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप भी पाना चाहते हो आरसीबी की टीम की हर एक छोटी बड़ी अपडेट तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दे। चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2023 अभी हालांकि काफी दूर है, लेकिन अभी से ही प्लानिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि मिनी ऑक्शन आईपीएल 2023 से पहले हो जाएगा और रिटेन लिस्ट उससे भी पहले सभी टीमें अनाउंस कर देगी। तो ऐसे में इस साल यानी कि आईपीएल 2023 से पहले आरसीबी की टीम किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी और किन किन खिलाड़ियों को रिलीज करेगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस बार आरसीबी की टीम के लगभग सभी खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया, दो चार खिलाड़ियों को छोड़कर सभी आरसीबी की टीम के खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आए। तो ऐसे में आरसीबी की टीम किन किन खिलाड़ियों को रिलीज करेगी ये देखने वाली बात होगी। अब बात करें आरसीबी की टीम की तरफ से आ रही बड़ी अपडेट्स की, और सबसे बड़ी अपडेट आरसीबी की टीम के कप्तान को लेकर आई है। तो आईपीएल 2023 के अंदर कौन होगा आरसीबी की टीम का कप्तान इस साल, यानी कि आईपीएल 2022 में फाफ डु प्लेसिस ने आरसीबी की टीम की कप्तानी करी, साथ ही में ये आरसीबी की टीम के मोस्ट रन स्कोरर भी थे पूरे सीजन में। तो इस सीजन फाफ डु प्लेसिस का परफॉर्मेंस तो अच्छा निकल गया है, चाहे वो बल्ले से हो चाहे कप्तानी से हो, क्योंकि कप्तानी में भी आरसीबी की टीम जो है वो क्वालिफायर 2 तक पहुंची फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी में, जो कि आरसीबी की टीम पिछले कुछ सीजन में नाकामयाब हो रही थी। तो ऐसे में काफी आरसीबी फैंस का जानना है कि फाफ डु प्लेसिस अगले साल भी आरसीबी की टीम की कप्तानी करेंगे या फिर आरसीबी की टीम इन्हें रिलीज करेगी। तो रिलीज करना तो दूर की बात है, क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया आरसीबी की टीम के लिए आईपीएल 2022 के अंदर। और बात रही कप्तानी की, तो कप्तानी में भी इन्होंने अपना 100% दिया है, क्वालिफायर 2 तक आरसीबी की टीम फाइव डु प्लेसिस की कप्तानी से ही पहुंची। तो ऐसे में यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर हम लोग ऐसा कह सके कि फाफ डु प्लेसिस ने खराब कप्तानी की है, और लगभग ये निश्चित है कि अगले साल यानी कि आईपीएल 2023 में भी फाफ डु प्लेसिस आरसीबी की टीम के ओपनर और साथ ही साथ कप्तान भी रहेंगे। आप लोग दोस्तों फाफ डु प्लेसिस को अगले साल आरसीबी की टीम की कप्तानी करते हुए देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो ये निकल के आई है मोहम्मद सिराज की तरफ से। मोहम्मद सिराज के ऊपर यहाँ पर माइक हसन ने बड़ा बयान दिया है। आरसीबी की टीम के डायरेक्टर माइक हसन ने बताया कि मोहम्मद सिराज अगले साल जरूर वापसी करेंगे, बड़े ये खिलाड़ी है, इस साल इनका फॉर्म नहीं था, लेकिन अगले साल उनको पूरा भरोसा है कि सिराज अपना कमबैक करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि आरसीबी की टीम जो है वो सिराज को रिटेन करने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि अभी आईपीएल 2023 को करीबन एक साल और है और मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। अगर ये मिनी ऑक्शन से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में या फिर डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आरसीबी की टीम इन्हें फिर से रिटेन कर दे, लेकिन उसके लिए सिराज को एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म इन्हें करना पड़ेगा। अगर ये एवरेज परफॉर्म या फिर बेकार परफॉर्म करते हैं तो आरसीबी की टीम इन्हें रिटेन नहीं करेगी बल्कि रिलीज करेगी, क्योंकि 7 करोड़ इनकी प्राइस भी है। आप लोग दोस्तों नीचे कॉमेंट करके बताइए क्या मोहम्मद सिराज को आईपीएल 2023 की मिनी ऑक्शन से पहले रिटेन करना चाहिए या रिलीज, आप लोग नीचे अपना ओपिनियन जरूर देना। और आरसीबी की टीम की सभी तरीके की न्यूज और अपडेट आप सभी को हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, आप लोग जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।